हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल. दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स. आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बीडी 84 रीजनल एनाटॉमी से हेड एंड नेक. अच्छा, हेड एंड नेक में अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर स्कल को पढ़ने का कोई आसान तरीका बताएं. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का टॉपिक है, इसकी एनाटॉमी समझ में नहीं आती. बॉस टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आपको मैं आसान करके समझाता हूं कि स्कल को अप्रोच कैसे करना है. आज की ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस बारे में कि आपने स्कल को अप्रोच कैसे करना है. व्हाट इज द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे जिससे आप इस पूरे मुश्किल से कॉम्प्लिकेटेड स्कल को आसानी से समझ सकें. बीडी 84 में एक चीज लिखी हुई है बड़ी अच्छी कि स्कल को पढ़ने के लिए आपको यह बात पता होनी चाहिए कि दो सरफेसेस आपने पढ़नी है. एक तो यह कि स्कल बाहर से कैसा नजर आता है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द स्कल. ये एक अप्रोच है कि जी आपको एक्सटर्नल तमाम फीचर्स पता हो. अब इन एक्सटर्नल फीचर्स के पांच व्यूज हैं जो बीडी 84 ने आपको बताए. अगर आपने ये पांच व्यूज समझ लिए, और मैं इसी तरह से वीडियोस भी बनाता रहूंगा, हर व्यू पर एक वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको वो व्यू बिल्कुल मास्टर हो जाए. इनमें से पहला व्यू देखें क्या है. पहला व्यू कहलाता है सुपीरियर व्यू. सुपीरियर व्यू का मतलब यह है कि ऊपर से स्कल कैसे दिखता है, यानी लाइक दिस. अगर मैं स्कल को ऐसे टिल्ट कर दूं तो देखें यहां पर फ्रंटल बोन है, सजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर. ये जो सुपीरियर व्यू यानी ऊपर से जो बोन्स दिख रही हैं, इसके बारे में अगर आपने सारी चीजें समझ ली तो आपने सुपीरियर व्यू ऑफ द स्कल मास्टर कर लिया. ठीक है, इसको हम नॉर्मा वर्टिकलिस भी कहते हैं. नेक्स्ट व्यू जो स्कल का हमें पढ़ना है, जिस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, दैट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर व्यू. पोस्टीरियर व्यू का मतलब यह है कि बॉस स्कल पीछे से कैसे दिखता है जहां ऑक्सीपिटल बोन मौजूद है, इसीलिए इसको हम नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस भी नाम देते हैं. देखें आप कितने सिस्टमैटिक वे में स्कल को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करके आपको मैं पढ़ाऊंगा. सुपीरियर व्यू पढ़ाऊंगा, फिर पोस्टीरियर व्यू पढ़ाऊंगा स्कल का, उसके बाद हम बात करेंगे एक काफी लंबा चौड़ा सा व्यू है जिसका नाम है एंटीरियर व्यू. बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसमें हैं. एंटीरियर व्यू यानी सामने से स्कल कैसा दिखता है, कौन कौन से इसमें फिशर्स हैं, कौन कौन से इसके अंदर ओपनिंग्स हैं, कौन सी बोन्स हैं, कौन सी नर्व्स कहां से गुजरती हैं. सो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसके एंटीरियर व्यू में, जो कि सामने से आपको स्कल दिख रहा है. चूंकि ये एंटीरियर है, फ्रंट पोर्शन है, इसीलिए इसको नॉर्मा फ्रंटालिस भी कहते हैं. ठीक है, अगला व्यू है लेटरल व्यू. लेटरल व्यू का मतलब यह कि साइड से स्कल कैसे दिखता है, राइट साइड का लेटरल व्यू और ऑल्सो लेफ्ट साइड का लेटरल व्यू. ये ऑब्वियसली आइडेंटिकल है राइट और लेफ्ट साइड के. यहां देखें डिफरेंट बोन्स हैं, आर्चेज हैं वगैरह. सो साइड का जो पूरा व्यू है ये कहलाता है लेटरल व्यू या नॉर्मा लेटरालिस. ठीक है, और आखिरी व्यू कौन सा बच गया, इंफीरियर व्यू. इंफीरियर व्यू जैसे कि नाम से जाहिर है कि बेस बिल्कुल इंफीरियर साइड. स्कल को मैं पूरा उल्टा कर दूं इस तरह से, सो नीचे से ये कैसा दिखता है, इसमें कौन कौन से फोरामेन हैं, कौन कौन से ओपनिंग्स हैं, कौन कौन से बोनी लैंडमार्क्स हैं, कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं. तो अगर ये पांच व्यूज मैं आपको अलग अलग वीडियोस इन पे बना के पढ़ाऊंगा, हर व्यू के बारे में, सुपीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू, ये सुपीरियर व्यू हो गया, ये पोस्टीरियर व्यू हो गया, ये इसका लेटरल व्यू हो गया, ये फ्रंटल व्यू हो गया, और ये इंफीरियर व्यू हो गया. तो अगर ये पांच वीडियोस आपने देख ली और इन पांच व्यूज को आपने समझ लिया, तो आपने बेसिकली एक्सटर्नल स्कल को पूरा मास्टर कर लिया. तो ये बिल्कुल बात आपको क्लियर हो गई, आई होप ये समझ में आ गई बात कि हम स्कल को अप्रोच कैसे करेंगे. हम स्कल को अप्रोच करेंगे दो तरह से, पढ़ेंगे उसके एक्सटर्नल फीचर्स और फिर उसके इंटरनल फीचर्स. एक्सटर्नल फीचर्स में पांच व्यूज हैं बॉस. कौन कौन से, सुपीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू, लेटरल व्यू, फ्रंटल व्यू और इंफीरियर व्यू. ठीक है, तो इस तरह अगर आप स्कल को अप्रोच करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी, हैफ़ज़र्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसी तरह हम वन बाय वन एक एक व्यू पे वीडियो बनाते जाएंगे, आपसे मैं डिस्कस करता जाऊंगा, आपने वो वीडियोस देखनी है और आपको ये पूरा स्कल का एक्सटर्नल सरफेस समझ में आ जाएगा. ओके, सो ये सारे व्यूज अगर आपके समझ में आ गए तो एक्सटर्नल सरफेस तो हो गई कवर. अच्छा, अब इसकी ना इंटरनल सरफेस में आपको समझाता हूं वो कैसे स्टडी करेंगे. अगर मैं स्कल को यहां से कट कर दूं, और जब यहां से कट कर दूंगा तो ये ऊपर से जो इसका वॉल्ट है, इसको हम वॉल्ट कहते हैं, ये अलग हो जाएगा, यानी ढक्कन की तरह ये अलग हो जाएगा. और अंदर से स्कल कैसा दिखेगा, उसे कहते हैं इंटीरियर सरफेस. आइए वो आपको दिखाता हूं. अब ये देखो बॉस, ये स्कल आपको नजर आ रहा है यहां. अब ये जो स्कल आपको दिख रहा है ना, इसमें क्या फीचर आप नोट कर रहे हो, देखो ये ऊपर से ढक्कन हटा दिया है खोपड़ी पे से, यहां से इसको मैंने कट कर दिया है, ऊपर से इसका वॉल्ट निकल गया है यानी ढक्कन निकल गया है. और अब अंदर से ये कैसा दिखता है, ये अंदर से ऐसा दिखता है. देखो इसको हम कहते हैं बेस ऑफ द स्कल, एंड दिस इज कॉल्ड द इंटरनल सर्फेस ऑफ द क्रेनियल वॉल्ट एंड इंटरनल सर्फेस ऑफ द बेस ऑफ द स्कल. ठीक है, ये देखें ये कहलाता है क्रेनियल बेस. तो जो वॉल्ट था यानी
जो ऊपर से ढक्कन मैंने हटा दिया है वो वॉल्ट कहलाएगा, उसकी इंटरनल सरफेस, और जो मेन इंटरनल सरफेस स्टडी करनी है वो कहलाती है बेस ऑफ द स्कल। इसमें देखो ये तीन ना गढ़े खड्डे से नजर आ रहे हैं, एंटीरियर क्रैनियल फोसा, मिडल क्रैनियल फोसा एंड पोस्टीरियर। इस पे पूरा ब्रेन फिट होता है आपका, यहाँ पे फ्रंटल लोब आते हैं, यहाँ पे पीछे ऑक्सीपिटल लोब आता है, तो ये फोसा के अंदर पूरा ब्रेन की फिटिंग होती है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये देखें ये वाली कौन सी सरफेस थी, कौन सा व्यू था, ये लेटरल व्यू, ये फ्रंटल व्यू था, ये इसका इंफीरियर व्यू था, ये इसका ऑक्सीपिटल व्यू था, और इसका सुपीरियर व्यू कहां गया? सुपीरियर व्यू बॉस हमने काट के निकाल दिया है, वॉल्ट हमने अलग कर दिया है, ढक्कन हमने अलग कर दिया है, और अब हमारे पास ये चीज नजर आ रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं, बेस ऑफ द स्कल। इसमें तीन फोसा कौन कौन से हैं, एंटीरियर क्रैनियल फोसा, मिडल क्रैनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा। देखो यहां लिखे हुए भी हैं एंटीरियर क्रैनियल फोसा, मिडल क्रैनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा। यानी बॉस मैं अगर दोबारा रिपीट करूं तो स्कल को स्टडी करने के तरीके क्या हैं? स्कल को अप्रोच आपको इस तरह करना चाहिए कि आपको स्कल की एक्सटर्नल सरफेस और उसकी इंटरनल सरफेस पे कमांड होनी चाहिए। एक्सटर्नल सरफेस के पांच व्यूज हैं, फ्रंटल व्यू, लेटरल व्यू, इंफीरियर व्यू, ऑक्सीपिटल व्यू एंड ऑब्वियसली सुपीरियर व्यू, जो कि इसमें कटा हुआ है, वॉल्ट हमने अलग किया हुआ है। अब इंटरनल सरफेस की जब बात आती है तो जब वॉल्ट आप हटा देते हैं तो आपको बेस ऑफ द स्कल दिखता है जिसमें तीन क्रैनियल फोसा है। अगर आपने स्कल को इस तरह अप्रोच किया कि स्कल की ये तमाम व्यूज समझ लिए और उसकी इंटरनल सरफेस समझ ली, देन यू मास्टर द स्कल। यार टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब करूंगा मैं ये कि नेक्स्ट वीडियोस जो बनाऊंगा उसमें वन बाय वन फ्रंटल व्यू पे एक वीडियो बनाऊंगा, लेटरल व्यू पे एक वीडियो बनाऊंगा, इंफीरियर पे एक वीडियो। तो जब वन बाय वन सारी वीडियोस बनेंगी देन यू विल मास्टर द कंप्लीट स्कल। वेलकम टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगली वीडियो में। टेक केयर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।